Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about our electoral politics, what is the system of elections in India, what do you mean by electoral politics or election system, why elections are necessary, zaruri kyun hai, what are the conditions to be an democratic election ki agar loktantrik chunav karein uski conditions kya kya hongi. To humne padha tha pehle to elections kis prakar hote hain uska ek example humne dekha. हरियाणा के एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा 1987 में जो चुनाव हुए किस प्रकार प्रोमिसेस करती हैं अलग अलग पार्टीज या लीडर्स, क्या क्या वो आंदोलन चलाते हुए कैसे नाम दिए जाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि न्याय इलेक्शन जरूरी क्यों है, तो हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं है एक डेमोक्रेटिक वे में चुनाव डेमोक्रेटिक वे में सरकार बनाने का. उसके बाद हमने देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे कैसे, तो उसमें कुछ कंडीशन देखी जो जरूरी है. अब हमारे सामने है कि सम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, रिजर्व आरक्षित कंस्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र. कंस्टिट्यूएंसी का कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने इलेक्शंस इन इंडिया पढ़े थे, तो उसमें बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन, उसके बाद कंस्टिट्यूएंसीज क्या था, एन एरिया डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एक एरिया जहां से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा उसके लिए डिसाइड किया जाए, और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज. एक वो जगह जहां से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा क्या चुनाव क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी है. अब रिजर्व क्या है, तो आरक्षित कर दी जाए. अब अगर रिजर्व की बात करें तो ये किसके लिए रिजर्व की गई है, हमारे यहाँ अगर लोकसभा की बात करें, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर हमारे विधानसभाओं की बात करें, तो हमारे यहाँ 80 और 80 के लिए सीटें रिजर्व की गई है. 80 और 80 के लिए सीटें रिजर्व की गई है. की क्यों गई, क्योंकि हमारे समाज में 80 और 80 लोअर सेक्शन का सोसाइटी था, इसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया. अगर ऐसे सीटें आरक्षित नहीं होती तो ऑलवेज द जनरल कैंडिडेट्स और द इन्फ्लुएंशियल पर्सन और द वेल्दी पर्सन विल कम टू द लोकसभा और पार्लियामेंट. पार्लियामेंट तक केवल अमीर वर्ग उच्च वर्ग ही पहुंच पाता, एंड द वॉइस ऑफ दिस सेक्शन कुड नॉट रीच टू द पार्लियामेंट. संसद में इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए इनको विशेष छूट दी गई, कुछ सीटें इनके लिए आरक्षित कर दी गई ताकि उन सीटों पर केवल इसी कास्ट से रिलेटेड व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा. एससी एसटी से बिलोंग करता वही व्यक्ति चुनाव लड़े. इस सीटें के लिए आरक्षित की गई 80 के लिए, तो की गई 84 और एसटी के लिए 47. आपकी बुक में 79 दे रखा है, 41 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में इसको याद रखें 84 एसटी 80 के हैं और 47 एसटी की सीटें रिजर्व की गई है हमारे यहाँ. ये तो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लोकसभा की बात कर रहे हैं. उसके अलावा हमारे यहाँ फिर थोड़ा सा इस सिस्टम को और एक्सटेंड कर दिया गया, और एक्सटेंड करते हुए क्या किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज बोलते हैं, नगर पालिका है, नगर निगम, पंचायत बोलते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हुए किसको दे दिया गया आरक्षण, एसटी एसटी के साथ ओबीसी को भी दे दिया गया. कहां, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां ओबीसी को भी दे दिया गया, उसके बाद वोमेन 33% महिलाओं को भी दे दिया गया. तो हमारे पार्लियामेंट में एसटी एसटी को दिया गया केवल रिजर्वेशन, और रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज वो कंस्टिट्यूएंसीज जहां से केवल जिस जाति के लिए जिस वर्ग के लिए आरक्षित की गई वही चुनाव लड़ पाएगा, यानी 80 के लिए सीट पर कोई दूसरा कैंडिडेट 80 के अलावा नहीं खड़ा हो सकता. तो यही थी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज. उसके बाद चलो हमने इलेक्शन के लिए क्या किया कि सीटें रिजर्व कर दी, सीटें फाइनल कर ली कितनी होगी. उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, अगर चुनाव की तैयारी करनी है जैसे बिहार में चुनाव, उसके पहले वी हैव टू कंप्लीट वन वोटर लिस्ट, कि चुनाव में वोट डालेगा कौन वो तो डिसाइड करें. और भारत में इसी कंडीशन क्या है, एवरीवन हु हैज द एज ऑफ 18 और अबव, जिसकी उम्र 18 साल है, इससे ऊपर का है, किसी जाति किसी धर्म किसी भाषा से बिलोंग करता हो उसको वोट का अधिकार है. तो उन सब व्यक्तियों को पहचान करके उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि हमारे यहाँ वोटर्स कौन होंगे, उनकी वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. उसके बाद समय समय पर इस लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, क्यों, कि हो सकता है जो वोटर्स थे उनमें से कुछ एक्सपायर कर गए हो, डेथ हो गई हो जिनकी, और कुछ जिनकी उम्र इस साल 18 नहीं अगले साल 18 होगी उन्हें ऐड हो जाए, तो जो मर गए उनको निकाल दिया जाएगा और जो नए 18 साल में आए हैं तो उनका नाम ऐड हो जाएगा. उसको रिवाइज किया जाता है हर 5 साल में, इसको कंपल्सन के तौर पर रिवाइज किया जाता है, यानी एक चुनाव से अगले चुनाव तक उसको हर हालत में वापस रिन्यू किया जाता है, अपडेट किया जाता है उस वोटर लिस्ट को. फिर इस वोटर लिस्ट के साथ वोट डालते समय कंडीशन और लगा दी गई, हालांकि इसको कंपल्सरी नहीं किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, कि अब अगर वोट डाले जाए तो इलेक्शन फोटो आई कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया, जिसमें क्या वोट डाले जाएंगे तो वोटर कार्ड होगा उस पर आपकी फोटो होगी, ताकि आप आसानी से वहां वोट डाले जाए तो जहां वो पोलिंग बूथ पर जाए कोई दूसरा किसी के बदले में वोट नहीं डाले. हालांकि इसको कंपलसरी नहीं किया गया, इसके लिए आप राशन कार्ड आधार कार्ड वोट जो हमारे पास
उस ये पैन कार्ड वगैरह इसके द्वारा वोट डाले जा सकते हैं। वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। आई कार्ड कोई भी अभी भी हमारा प्रीवेल अभी भी लागू है, कोई भी ले सकते हैं इसकी वजह, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अब हमारे अगर चुनाव की बात करें तो वोटर लिस्ट भी तैयार होगी, तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो कैंडिडेट जो भी होंगे दे विल फाइल नॉमिनेशन, वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करना, नामांकन का रजिस्ट्रेशन कराना कि कौन कहां से किस सीट से किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। तो उसमें अगर किसी पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया, हाथ का निशान कांग्रेस का है, कमल की बात करें तो बीजेपी का है, हाथी का निशान जैसे समाज बीएसपी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, तो इस प्रकार जैसे आप बिहार में चुनाव लड़े जेडीयू का तीर का निशान है, उसके बाद आरजेडी का लालटेन का निशान है, तो इसमें जो भी पार्टियां होंगे वो अपना सिंबल दे देती तो पार्टी कैंडिडेट हो जाएगा, यानी उस पार्टी का कैंडिडेट है। अगर किसी को चुनाव लड़ना है कोई पार्टी करना दे तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकता है, उसको इलेक्शन कमीशन अलग से कोई चुनाव चिन्ह देगा, अलग से कोई सिंबल दे देगा। तो हमारे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है नॉमिनेशन फाइल करेगा। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए या तो उसको पार्टी टिकट दे देगी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती इंडिपेंडेंट लड़ रहा तो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, चुनाव आयोग उसको अलग नया सिंबल दे देगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर मान लो नॉमिनेशन फाइल करते हैं हम, तो उससे पहले आज हम एक एफिडेविट फाइल, कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेगा उसको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, कुछ जानकारी देनी होती है अपने वोटर्स को किस बारे में। पहला तो कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, हाउ मच प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली हैज, उसके परिवार की यानी उसके बेटे बेटी हैं या उसकी वाइफ, उसके नाम कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम के और खुद के नाम कितनी है, बैंक अकाउंट में कितना है, ज्वेलरी कितनी है, उसकी इंफॉर्मेशन। दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कितना पढ़ा लिखा है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरी इसमें कि उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उसके खिलाफ केसेस कितने पेंडिंग है यानी कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं उसकी जानकारी देगा, ताकि जिससे वोटर्स के सामने एक सही उसके बारे में पिक्चर आए कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। अगर एक्सट्रीम है बहुत ज्यादा है तो उसे पता चल जाएगा उसके सोर्सेज तो है नहीं, एक्सट्रीम हुई कहां से, इसका मतलब कोई गलत तरीके से कमाई गई है। अगर दूसरा तरीका, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो व्यक्ति अनपढ़ है या फिर कोई जानकारी रखता ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं या पांचवीं छठी पास का अंदाजा लगा लेंगे, वो बड़ी पॉलिसीज कैसे बना सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की, तो हम ये देखेंगे उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है कि आगे ऐसी एक्टिविटीज सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में अच्छा आइडिया मिल जाएगा, उसके अनुसार लोग वोट डाल सकते हैं। तो ये कुछ नॉमिनेशन फाइल करते समय ये कुछ जानकारियां देनी होती है जो कि कंपलसरी है चुनाव लड़ने के बाद। अब इसमें बॉक्स में दे रखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई कैंडिडेट के लिए। हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक अनपढ़ व्यक्ति एन इलिटरेट पर्सन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बन सकता है, बने नहीं है वो अलग बात है, बन सकता है, क्योंकि हमारे ऐसी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। अब इसमें कारण दिया क्यों नहीं लगाई गई है, क्यों नहीं लगाई गई, उसका एग्जाम्पल दे दिया जैसे सचिन तेंदुलकर, अगर ये क्वालिफिकेशन तय कर देते कि अगर वो 10th पास होगा तो ही आगे टीम में लिया जाएगा, या 12th पास हो गया, ग्रेजुएशन पास होगा तो खेल ही नहीं पाता, क्योंकि 10th के बाद वो स्कूल नहीं गया था जब वो टीम में शामिल हुआ, तो उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि वो ग्रेजुएशन करेगा तभी टीम में शामिल होगा। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, उसका खेल, क्योंकि क्रिकेट में तो उसको बैटिंग करनी अच्छी आनी चाहिए थी, क्वालिफिकेशन एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, बैटिंग अच्छी आती थी खेला वो। महेंद्र सिंह धोनी 12th के बाद नहीं गए स्कूल, लेकिन देश की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, तीनों तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं क्रिकेट के जीते गए, तो वहां क्वालिफिकेशन जरूरी, एजुकेशन की जरूरत नहीं थी उसमें, जो काबिलियत जो चाहिए वो थी। उसी प्रकार हमने माना कि हम कैंडिडेट के ऊपर एक तो अगर क्वालिफिकेशन लगा दें ग्रेजुएशन की कि जो एमएलए बनेगा वो ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो 90% पॉपुलेशन तो देश की बाहर हो जाएगी चुनाव लड़ने से, तो कुछ लोग तो वैसे इच्छुक नहीं होते। दूसरा, जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के उनमें से भी ज्यादातर ग्रेजुएट नहीं होते, तो हमारा कंपटीशन ही बहुत कम हो जाएगा, ज्यादातर पॉपुलेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी चुनाव में, चुनाव लड़ने में, तो हमारे पास ऑप्शंस भी कम हो जाएंगे और वास्तविक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होना चाहिए। एक चीज और, हम क्वालिफिकेशन किसके द्वारा, कि क्वालिफिकेशन तय होता है कि हमारी काबिलियत कितनी है, तो वो क्वालिफिकेशन के सामने क्या है, हर 5 साल में चुनाव लड़ना तो लोग डिसाइड करें ये कितने काबिल है, तो लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि द पीपल आर सपोज टू डिसाइड हाउ स्किल्ड और इफेक्टिव दे आर, तो इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए नहीं रखी गई। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी चुनाव में या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। इसमें से अगर आपको कुछ भी पूछना हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड एवरीथिंग।